हमेशा एग्जाम से पहले मेरे साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी है। सो जस्ट इमेजिन दैट कि कल तुम्हारा एग्जाम है और तुमने लिटरली बुक उठाकर भी नहीं देखी और बिना पढ़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाओगे तो डीमोटिवेट तो हो गई। कोई हो ना हो, मैं तो जरूर हो जाता हूँ। जैसे ही पढ़ने का मन करता है बीच में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो चलिए उन अड़चनों का उल्लंघन करते हैं इस वीडियो में। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है, सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। 24th July वीकेंड। सो मैं वीकेंड्स पर सिर्फ रिवीजन करता हूँ एंड देन उसके बाद मस्ती, बिकॉज यार पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। सेम उस दिन मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी एंड पूरा दिन मस्ती करी। फिर मैंने रात को व्हाट्सअप चेक करा तो मुझे पता चला यार मेरा कल इंग्लिश का एग्जाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। और सिलेबस में हमारे एक चैप्टर, एक पोयम, दो एनालिटिकल पैराग्राफ, एक स्पीच, एक नोटिस राइटिंग एंड ग्रामर, इतना सब कुछ आना था जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में कर लिया था। एंड इतना कुछ आना था तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी और यही मेरी मिस्टेक रही। फिर मैंने नेक्स्ट दिन स्कूल में जाकर एग्जाम दिया। पेपर आसान सा था यार, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट जो कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस थी नहीं तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। दूसरे थिंग, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स में मार्क्स भी कट गए थे। हमारा स्कूल को सिर्फ एक मंथ हुआ था तो मैंने इसलिए सोचा कि इंग्लिश तो है, थोड़ा बहुत बाद में कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में कर लेंगे, पर यही मिस्टेक रही, मुझे स्टार्टिंग से करना चाहिए था बिल्डअप। बट यार हमारे स्कूल वाले ना, इन्होंने जल्दी एग्ज़ाम रख दिए, हमारे हाफ ईयरली भी अब रख दिए 7 सितंबर से। एंड ये एक चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री वाले सर। वो तो डिटेल पढ़ाते ही नहीं यार। जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है, ट्यूशन्स नहीं जा रहा है, वो कैसे अपने डाउट लेगा? अब इनसे डाउट पूछते हैं ना तो बोलते हैं नहीं भाई हम इस टॉपिक पे आ गया है, वो डाउट मत पूछो। अब फिर कैसे बच्चा डाउट पूछे अपने, बताओ यार स्कूल। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। बट किसी ने सच ही कहा है कि जब हम हार्डवर्क करते हैं ना, तब वहाँ पर ना हज़ार प्रॉब्लम्स हमें इज्जत। हमसे पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई, जो कि 29 जुलाई को था। नेक्स्ट मेरा केमिस्ट्री का था जिसमें 2 चैप्टर्स आने थे, जिसमें से एक चैप्टर मैंने कर रखा था, बट उसकी मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी न्यूमेरिकल्स की। एंड सेकेंड चैप्टर भी यार बहुत लंबा है, जो कि हमारा अभी तक नहीं हुआ स्टार्ट। हमारा सिर्फ अभी फर्स्ट चैप्टर ही हुआ पीडब्ल्यू पे। फिर मेरी 26 को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, खांसी, जुखाम, सर दर्द, पेट दर्द। फिर भी मैंने एक चैप्टर को करा, उसके थ्योरी के पार्ट को, फर्स्ट चैप्टर को। मैंने वन शॉट देखा था यूट्यूब पे, बिकॉज यार अगर मैं पीडब्ल्यू पे देखने लगता तो वो काफ़ी टाइम लग जाता, जो कि उस टाइम मेरी अब इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं 2x की स्पीड में भी देख लूँ आराम से बैठ कर अपने सारे के सारे वापस लेक्चर। यूट्यूब का सहारा ही लेता हूँ मैं, फुली डिपेंडेंट नहीं हूँ पीडब्ल्यू पे कि जब वो कराएंगे चैप्टर तभी मैं स्टार्ट करूँगा। मुझे खुद से भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज जो स्कूल मैनेज कर रहे हैं ना, एंड सॉरी जो स्कूल जा रहे हैं और साथ में कोर्स ले रखा है उन्होंने, तो उनको खुद मैनेज करना पड़ेगा ये सब। मेडिसिन लेने के बाद मुझे 2-3 घंटे आराम लगता है, उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ आराम से। फिर उसके बाद वापस तबियत खराब हो जाती है, फिर मैं रेस्ट लेता हूँ। तो मेरा ऐसा ही था कि तबियत खराब रेस्ट, फिर ऐसे ऐसे बीच बीच में मैंने करके अपना पूरा पढ़ाई को मैनेज करा। अब 4 से 5 दिन बीत गए थे जो कि मेरी अभी तबियत खराब ही चल रही थी, और फिर मैं स्कूल में कंटिन्यू था क्योंकि मैंने स्कूल की अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली थी। स्कूल जाना तबियत खराब में, फिर घर आना, फिर सेल्फ स्टडी मैनेज करना, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, देन फिर मैंने एक दिन का यार ऑफ ले ही लिया था। देन मेरा 1 अगस्त को फिजिक्स का एग्ज़ाम था तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी थी। अब पेट और सर दर्द ठीक हुआ तो यार बीपी लो हो गया क्योंकि चक्कर आ गए थे, इतना सारा मैनेज कर रहा था एक साथ, तो भाई तबीयत ख़राब चलती रहती है। कोई नहीं, ये वीक तो मेरा पूरा बर्बाद गया, क्या बताऊँ मैं, क्या डॉक्टर बनेगा रे चिराग तू, मेरे डॉक्टर अंकल मुझे ये बोलते हैं। तो भाई मैंने जैसे कैसे करके अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करी एंड फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मुझे स्टडी टेबल बैठने जाता था, पेट में दर्द वापस चालू हो गया था, तो बेड पे लेट के मैं अपना पढ़ाई करने लग गया था आराम से। बट फिर जैसे मुझे आराम लगता तो मैंने टेबल पर आके बैठ के अपनी पढ़ाई करने लग जाता, बिकॉज मुझे पता है यार रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तेरा काम चलने नहीं वाला। तो इस बार मुझे रिटर्न प्रैक्टिस करनी थी, चाहे मेरी जैसी भी कंडीशन थी। मैं सुबह रेडी हो गया था अपने स्कूल के लिए, तो मैं स्कूल गया, एग्ज़ाम दिया, वापस आया। फिर मैंने अपने दिमाग को आराम से बैठकर समझाया कि चिराग तू बिल्कुल ठीक है, तेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। जब तक हम अपने आप को बोलते हैं ना कि तू गंदा है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, भाई तेरी तबीयत ख़राब रहनी रहनी है, तो फिर हमारा दिमाग वही चीज़ें कैच करता है। तो मैंने दिमाग को अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन दी कि तू चिराग तू भाई तू मतलब कर रहा हूँ मैं हल्की फुल्की पढ़ाई, बट वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं कैसे कर रहा हूँ पढ़ाई अपनी तबीयत ख़राब में भी। तो फिर मैंने दिमाग को समझाया कि तू बिल्कुल ठीक है, तू अपने गोल से मत हट, तू अपने गोल्स पर वापस आ जा, बिकॉज अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश, और वो मुझे विश नहीं चाहिए, मुझे गोल्स को पूरा करना है। तो मेरा गोल्स को इतना छोटा सा तो है नहीं कि बस हो जाए, उसके लिए मुझे हार्डवर्क चाहिए, तो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम मेरा बायो का था, जो कि चैप्टर 1 आना था। चैप्टर 1 हमारा अभी नहीं हुआ है वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह में, तो मैंने ये भी अपना यूट्यूब से ही समझा था।
सो मैंने अब तो आधे चैप्टर मुझे यूट्यूब से ही समझना है, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली भी बहुत पास है, 7 सितंबर से स्टार्ट है, और जो कि PW पे मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता, आपको मैंने पहले ही बताया था। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और स्कूल भी जा रहे हैं तो दोनों तरफ का मैनेज खुद करना पड़ेगा। अब जिन्होंने डमी ले रखा है तो वो एक तरफ का ही मैनेज करेंगे, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, और हमें तो भाई दोनों तरफ मैनेज करना पड़ता है। क्या हम कब तक स्ट्रेस एंजाइटी लेकर बैठे रहेंगे भाई, हमें खुद का प्लान बनाना पड़ेगा, वरना फिर हमारा हो गया काम। वी ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग, बट एक थिंग है कि सबकी लाइफ में अलग अलग दिक्कतें हैं और हमें हर सिचुएशन में ढलना सीखना चाहिए। अपने आप को ना किसी से कंपेयर ना करो, सिर्फ अपने अंदर से कंपेयर करो कि तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो। जो हमारे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ये हमारे मेन नहीं है, बस इसमें से खाली 5 या मुश्किल से 10 नंबर लगते होंगे। जो हमारे मेन एग्ज़ाम है वो हमारे हाफ ईयरलीज है, जो कि 7 सितंबर से स्टार्ट है हमारे, तो भाई मुझे उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एंड ज़्यादा ये कुछ अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आने हैं और हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे 1-2 चैप्टर ही चल रहे अभी तक, तो मुझे जल्दी से खींचना पड़ेगा हमारे सिलेबस को। अभी तक हमारे मार्क्स नहीं बताए, जब आएंगे तो आपको मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में अपने मार्क्स बताऊंगा इसके। बाकी अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो 36 प्लस मेरे बायोलॉजी में, मुझे पूरा पेपर आता था भाई, बट जो मेरे को लग रहा है मेरे 5 नंबर ज़रूर कटेंगे उसमें से, बिकॉज जो था हमारा लास्ट का टाइम उन्होंने जल्दी खींच लिया था भाई। देखो 90 मिनट्स का लिखा हुआ था, 60 मिनट्स में मेरा पेपर ले लिया गया था। अब क्या ही बोलूँ मैं, अब एक डायग्राम रह गया मेरा, रह तो नहीं गया, मतलब उसको मैंने बनाया है ढंग से, उसकी लेबलिंग रह गई थी, अब उसमें मार्क्स कट सकते हैं। स्पेलिंग तो नहीं यार इसमें कट सकता, ये तो ढंग का गया था मेरा, बाकी 36 मान लो, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसे मान लो, उसमें मेरा को मैंने सब करा था, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में कट सकते हैं मार्क्स मेरे, ठीक है। केमिस्ट्री में तो भाई मैंने एक चैप्टर करा ही था, जो कि करा था थ्योरी पार्ट करा था, थ्योरी आई नहीं, न्यूमेरिकल्स आ गए उसके, तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। इंग्लिश में मेरा क्या रहा था, मेरा मुझे सब कुछ आता था, मैंने अच्छे से फ्रेम करके लिखा, बट या मेरा शायद ऐसा लग रहा है मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई हो या स्पेलिंग मिस्टेक्स, और कुछ नहीं कटने वाला। बाकी इस पूरी वीडियो को जो मोरल है, पहली बात कि तुम प्रैक्टिस करते रहो भाई, रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करो, मैं तो अब तो करूँगा रिटर्न प्रैक्टिस। नंबर सेकंड थिंग, तुम्हारा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन मैटर करता है इन द एंड, मार्क्स नहीं करते। बेसिकली मार्क्स तुम्हें ये जस्टिफाई करते हैं कि तुम्हारी मिस्टेक्स कितनी है और तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब ये भी नहीं कि अगर मैंने ये लाइन बोल दी कि मार्क्स डजेंट मैटर, मार्क्स करते हैं तुम्हारी वो ना मिस्टेक्स को जस्टिफाई करते हैं, ताकि अगली बार हम मिस्टेक्स ना कर पाए, हम उसे सीखें। तो चलिए भाई अगली वीडियो में बात करते हैं बाकी सब चीज़ों के बारे में, एंड मैंने बहुत टॉपिक सोच रखे हैं इस बार, मुझे क्या क्या प्लान करना है अपने चैनल के लिए, कैसे वापस से ग्रो करना है इसे, क्योंकि मेरा डेडली हो चुका है पूरा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में प्राइवेट कर दिया है, उसका बहुत रीज़न है क्यों करी है मैंने प्राइवेट, तुम्हारे कमेंट्स भी आए थे बहुत ज़्यादा, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो।